मैं अब तैयार हूँ दादा जान। क्या आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। सलेम, उबैद, तैयार हो? तैयार। हमारा साइंस प्रोजेक्ट होमवर्क, सीन वन टेक वन, एक्शन। तो चलो चलकर सॉलिड लिक्विड और गैसेस की मुख्तलिफ खासियतें ढूंढते हैं। जबरदस्त ख्याल, या तो ये बह सकते हैं या तो ऐसे उड़ेल सकते हैं। लेकिन इन्हें पकड़े रखना आसान नहीं है जनाब, बिल्कुल नामुमकिन। सॉलिड बनावट को बरकरार रखते हैं, वो बहते नहीं क्योंकि उनका काम जुदा होता है। दुरुस्त। देखो, लिक्विड गर्म करने पर गैस बन जाता है, जैसे वहाँ पर हो रहा है, और लिक्विड ठंडा होकर सॉलिड में तब्दील हो जाता है। है ना साइंस कितनी मजेदार। यही शुरुआती कदम है उबैद। कट। बेहतरीन। बहुत खूब दोस्तों, साइंस प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। हाँ, वो क्या है? वो अदाकारी है। नहीं नहीं, मतलब वो उसे क्या हुआ है? मुझे इल्म नहीं, वो पोशीदा होने की फिराक में थी। ये मसला तो हल होना ही चाहिए। यही शुरुआती कदम है मंसूर। पूरा सरार बहन का मसला। हमारी गुनहगार, देखो। जल्दी पीछा करो। वहाँ। कोई सुराग मिला तुम्हें? अभी तक एक भी नहीं। चलो वहाँ देखें। हेलो दोस्तों। शम्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, सुनो, मुझे जाना है, हम बाद में मिलेंगे। मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। पुरअसरार बहन का मसला और भी पेचीदा हो गया। आओ देखे वो कहाँ जा रही है। हाँ, उसने देखा तो नहीं ना? जल्दी यहाँ यहाँ। वो अब हमें नहीं पहचान पाएगी। चलो। उसके डिब्बे में क्या है? हरगिज एक पिक्चर फ्रेम होगा। वो किससे बात कर रही है? हो सकता है एक शातिर मुजरिम से। हाँ, ये बात तो वाकई मायने रखती है। ओह हाँ, वो आ रहे हैं। ये तुम्हारे चाचा चाची हैं। क्या ये मुजरिम है जिससे हमारा पाला पड़ा है? लगता तो नहीं, लेकिन हमें पता तो लगाना ही पड़ेगा। उस डिब्बे में क्या हो सकता है? लगता है बेशुमार दौलत या फिर जेवरात। माजरत। देखिए देखिए, वो निकल जाएंगे।
फिर आपके सबूत क्या कहते हैं डॉक्टर उबैद? मेरा मानना है मुजरिमों ने भागने के लिए एग्जिट पर गाड़ी लगाई, वो बहुत ही चालाक है। अंदाजा अच्छा है, लेकिन शम्मा के मुतालिक क्या कहोगे? शायद बेहद कीमती पीस ऑफ आर्ट के साथ फरार होने की कोशिश। तो चलो मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करें। कहाँ चली गई? वो देखो, गायब हो गई। दुश्मन बेहद शातिर है। फिक्र मत करो, उसे ढूंढ लेंगे। आओ मेरे जासूसों, इस जानिब चलें। हाँ? क्या हो रहा है? ये फायर अलार्म को टेस्ट कर रहे हैं या किसी डकैती को अंजाम दे रहे हैं? हरगिज नहीं, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। बेशक नहीं। दोस्तों संजीदा मत हो, हम सब ये जानते हैं कि शम्मा पेंटिंग नहीं चोरा सकती, सही कहा ना? हे दोस्तों जरा यहाँ तो देखो। नैनो, क्या तुम इस तस्वीर को पहचान सकते हो? सुबह का नजारा, बेहद कीमती पेंटिंग, हाल ही में सिटी आर्ट म्यूजियम में नुमाया की गई थी। शायद वही जिसे हाल ही में सिटी आर्ट म्यूजियम से चोरी किया गया। शुक्रिया नैनो। सुनो, मुझे शम्मा पर पूरा भरोसा है, यकीन है, तो चलो थोड़ी जासूसी करते हैं। अगर तस्वीर यहाँ है तो शम्मा ने उसे नहीं लिया था। बात में दम है, चलो पता करें। सुबह का नजारा नाम की पेंटिंग, मतलब एन यही होनी चाहिए। वो कहाँ गई? हरगिज वो ले गई। यकीन नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। मामला बहुत संजीदा हो रहा है। नामुमकिन। सबूतों पर नजर डालो। तुम्हें याद है उसने बगीचे में क्या किया था? मॉल में उसकी हरकतें अजीबोगरीब थीं। और यहाँ अलार्म बंद हो गया और शम्मा पेंटिंग के साथ फरार है। और वो पेंटिंग अब यहाँ है ही नहीं। नहीं, इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होनी चाहिए। हाँ, मंसूर तुम्हारी बहन और उसके रिश्तेदार चोर है, हमें पुलिस को बताना चाहिए। नहीं, पहले मैं रब्ता करूँगा। हेलो हेलो शम्मा, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। बिल्कुल, मॉल में तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं जल्दी निकल गई। नहीं नहीं शम्मा, मैं जानता हूँ उस वक्त तुम थोड़ा जल्दी में थी। शुक्रिया। और तुम अभी क्या कर रही हो? मैं घर पर हूँ। अच्छा, घर पे हो? हाँ, घर पर। ठीक है ठीक है। अच्छा तो आज शाम को खाने पे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा, खुदा हाफिज शम्मा। खुदा हाफिज। यकीन नहीं होता, शम्मा ने तस्वीर चुराई, बेशकीमती आर्ट का बेहतरीन नमूना। मतलब उसे वो घटिया से सुनहरे फ्रेम में जड़ेगी उस वाहियात मॉल से लेकर। क्या वो तुम्हारे घर खाने पर आ रही है? हाँ। क्या करने वाले हो? मैं इसके मुतालिक पूछताछ करूँगा, तुम दोनों भी वहाँ रहना। आओ बच्चों बैठो। मंसूर, आगामी छुट्टियों में मैं बाहर जाऊंगी, तुम्हारी यौम पैदाइश पर नहीं रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती थी। शुक्रिया। मैंने सबको दिखाया, सबने पसंद किया। इस सब में तुम्हारे घर वाले भी शामिल हैं। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, मेरी पसंद का तोहफा मॉल में नहीं मिला तो मुझे कहीं और से हासिल करना पड़ा। यौम पैदाइश मुबारक हो मंसूर। तुम दिखाना नहीं चाहोगे, तुम इसे खुद तक महदूद रखना चाहोगे। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया। क्या? क्या? वाकई तुम तीनों एकदम वाहियात जासूस हो। लेकिन मैं समझा नहीं शम्मा। मैं समझाती हूँ, तुम सुनो। पता है मैं मॉल गई थी यही फ्रेम लेने जो तुम्हारे हाथ में है, फिर मैं आर्ट म्यूजियम गई सुबह का नजारा तस्वीर का प्रिंट लेने के लिए। लेकिन मैंने तुम तीनों को वहाँ पर देखा, नकली दाढ़ियाँ लगाए हुए। इसका हमें इल्म ही नहीं था। मैं तुम्हें कैसे नजरअंदाज करती,
लेकिन सुबह को जो तुमने बगीचे में तुम फिल्म बना रहे थे और मैं उसे कैसे बर्बाद करती। मगर अलार्म का क्या, पेंटिंग की गुमशुदगी। पेंटिंग को सफाई के लिए हटाया गया था, गलती से अलार्म बंद हो गया और वहाँ पर कुछ भी नाजायज नहीं हो रहा था। ये अखबार के पहले सफे पर था। माफ करना शम्मा, हमें वाकई लगा कि सबूत बेहद पुरअसर है। ये तुम तीनों के पागलपन का पुरअसर सबूत है। नोटों और जेवरात से भरे डिब्बे का क्या हुआ, कोई समझाएगा मुझे? तुमने गलत नतीजा निकाला, क्या कहना चाहोगे? कौन कौन खाएगा केक?